आज से श्रावण मास शुरू हो गया है। श्रावण में भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें। भगवान शिव शंकर का किस तरीके से हम सरल विधि से अभिषेक कर सकते हैं, आज मैं आपको दिखाती हूँ। भगवान शिव शंकर का पूजन के साथ ही शिव परिवार का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो भगवान जी की पूजा से पहले हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करेंगे। देखिए, यह पूजा की थाली है। पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री है, यदि आपको देखना है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान जी को जल अर्पण करें, साथ ही भगवान जी को तिलक कर विधिवत पूजन करें और भगवान जी को श्री गणेश जी को दुर्वा और गुड़हल का लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इस तरीके से सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन कर साथ ही श्री कार्तिक जी का भी पूजन कर भोग लगाएं और दीप प्रज्वलित कर आरती करें। भगवान श्री गणेश जी की पूजा के साथ ही माँ गौरा की पूजा जरूर करें। भगवान शिव शंभु की पूजा में माँ गौरा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ गौरा को सिंदूर अर्पण करें, माँ गौरा की विधिवत पूजन करें, माँ गौरा को फूल अर्पण करें, साथ ही माँ को भोग लगाएं, दीप प्रज्वलित कर माँ की आरती करें। इस तरीके से शिव परिवार की पूजन जरूर करें। अब हम भगवान शिव शंभू का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। भगवान जी को सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें, साथ ही जो नाग देवता हैं उन पर भी जल अर्पण करें, भगवान जी के त्रिशूल और डमरू पर भी जल अर्पण करें। भगवान जी का जल से अभिषेक करने के बाद हम दूध दही से भगवान जी का अभिषेक करेंगे। मैंने गाय का कच्चा दूध लिया है। दूध और दही अर्पण करते हुए हमें पीतल के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। गाय के दूध से अभिषेक कर गाय के दही से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद हमें घी से भगवान शिव शंभू का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शहद से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना चाहिए। शहद के बाद हमें शक्कर से भगवान जी का अभिषेक करना चाहिए। इस तरीके से हमने सबसे पहले जल, फिर दूध, दही, फिर घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव जी का अभिषेक किया। फिर से हम शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक करेंगे। अब हमें चंदन से भगवान जी का अभिषेक करना चाहिए। चंदन से अभिषेक करने के बाद हमें फिर से शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक करना है और साथ ही भगवान जी का अभिषेक करते हुए पूजन करते हुए हमें ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान जी का अभिषेक कर भगवान जी को तिलक लगाना चाहिए। भगवान जी को सफेद चंदन से तिलक करें। भगवान जी के मस्तक पर ओम बनाएं। भगवान जी की पूजा में हमें अक्षत भगवान जी को अर्पण करना है, चावल, उसके बाद चने की दाल भगवान जी को अर्पण करें।
साथ ही शिव शंकर भगवान जी का हमें अबीर, गुलाल और अष्टगंध से विधिवत पूजन करना चाहिए। त्रिशूल पर भी पूजा करें, त्रिशूल और डमरू पर, और साथ ही भगवान जी के जो नाग देवता हैं उनकी भी पूजा जरूर करें। भगवान जी का अभिषेक कर हमें भगवान जी को यज्ञोपवीत धारण करवाना चाहिए। भगवान जी को जनेऊ धारण जरूर करवाएं, साथ ही भगवान जी को वस्त्र कलावा जरूर अर्पण करें। भगवान जी का सबसे प्रिय बेलपत्र, तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव शंभु को जरूर अर्पण करें। भगवान जी को उल्टी साइड से ही बेलपत्र अर्पण किया जाता है, साथ ही शमी पत्र, यह भी भगवान जी को बहुत प्रिय है, तो शमी पत्र यदि उपलब्ध हो तो भगवान जी को जरूर अर्पण करें। भोलेनाथ जी को सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, तो भगवान जी को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। धतूरा जो होता है, धतूरे का फूल यदि उपलब्ध हो तो वह भी जरूर चढ़ाएं, और यह धतूरे का फूल और फल है। साथ ही आंख के जो फूल होते हैं वह भी भगवान को अर्पण जरूर करें। भगवान जी को पंचमेवा पान के ऊपर रखकर सुपारी, काजू, बादाम, किशमिश, लौंग, इलायची अर्पण करें, और साथ ही भगवान को मीठे का भोग जरूर लगाएं। यह सब पान पर ही रखें। ऋतुफल अर्पण करें और भगवान जी को श्रीफल जरूर अर्पण करें। श्रीफल पर अक्षत रखकर दक्षिणा रखें और भगवान जी को अर्पण करें। भगवान जी की पूजा कर, अभिषेक कर, दीप प्रज्वलित करें, साथ ही धूप बत्ती जलाएं और भगवान जी को आरती करें धूप से। भगवान जी का अभिषेक कर हमें आरती जरूर करनी चाहिए, तो हमें भगवान शिव शंकर की कपूर से आरती करनी चाहिए। कपूर से आरती जरूर करें। इस तरीके से हमारी बिल्कुल सरल विधि से हमने आज अभिषेक किया। आप भी सावन मास में जरूर भगवान शिव शंकर की पूजा करें, भगवान जी का अभिषेक जरूर करें। इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी हुई श्रावण मास की आपको बहुत सारी वीडियो आने वाले दिनों में भी मिलने वाली है, और पहले भी आ चुकी है, तो इसलिए जरूर आप देखें वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।